मैं समझा तो इसका इसकी बच्ची है मैं क्यों समझा साहब? बेटा रोना मत। बेटा मैं मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा बेटा टेंशन मत लो।

देखिए लव जिहाद का नया तरीका जो सभी को झकझोर कर रख देगा इतना भयंकर ब्रैंड वाश किया मुसलमान ने हिंदू महिला का कि वो हिंदू महिला ने ना तो अपने माँ बाप की मानी ना ही रिश्तेदारों की और ना ही नौ नौ महीने अपनी कॉक में रखे बच्चों पर दया आई ये कैसा प्यार है ये कैसा लव जिहाद है जिसमें सारी हदें पार कर दी सभी सावधान सतर्क हो जाएं, सरकार झूठी है पुलिस झूठी है चिकते चिल्लाते बच्चे आज किसी को भी सहन नहीं होंगे आजकल हर कस्बे में हर गांव गली मोहल्ले में लोन देने वाली प्राइवेट फाइनेंस कम पनिया खोल रखी हैं जिसमें अस्सी प्रतिशत जिहादी मुस्लिम भर्ती होते हैं जो किस्त लाने लेने के बहाने हर घर और हर औरत तक पहुँचते हैं फाइनेंस कंपनी वालों के पास सभी महिलाओं के नंबर तक मिल जाएंगे और घर के सदस्यों की पूरी डिटेल कितने सदस्य हैं घर में सब पता रहता है कि कौन क्या करता है कौन कहाँ काम करता है और कौन घर कब आते हैं अगर आपके कस्बे के गली मोहल्ले में घर के आसपास कोई प्राइवेट लोन देने वाली बैंक खुली है और वहाँ दस से पंद्रह बाहर के लड़के काम करने वाले दिखे तो सभी सावधान हो जाए महिलाएं औरतें अक्सर पैसों की जरूरत के हिसाब से घर वालों से चोरी छिपके फाइनेंस कंपनी लोन उठाती हैं इसमें महिलाएं खुद एक दूसरे का सहयोग करती हैं मगर जाने अनजाने में वह फंस जाती हैं। फाइनेंस कंपनी पर्सनल लोन समूह मुसलमानों ने लोन देने वाली कंपनी खोल रखी हो तो सतर्क हो जाएं। क्योंकि लोन देने और किस्त लेने के बहाने आपके घर और पूरे परिवार जनों के रैंकी हो रही हैं। ये मुस्लिम कर्मचारी आपकी बहु बहन बेटी को बहला फुसला लव जिहाद में फंसाने की चाल है उदयपुर जिले के एक इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है जहाँ माँ की ममता तार तार हो गई नो माँ कोख में रखकर कर जन्म देने वाली माँ प्रेम के भंबर में ऐसी पड़ी कि शादी के पंद्रह साल बाद दो संतान होने के बावजूद अपने मुस्लिम प्रेमी से इजहार करके विवाह तक कर लिया महिला के गांव में लोन की किस्त लेने आते जाते मुस्लिम फाइनेंस कर्मी ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया फिर ब्रैन वॉश करके गत दो तारीख को उसने कोर्ट में कोर्ट मैरिज तक कर डाली महिला की शादी के पंद्रह साल बाद महिला के इस फैसले इस निर्णय से पूरा गाँव गली मोहल्ला परिवार हैरत में हैं और बड़े ही गुस्से में हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस महिला के एक दस वर्षीय व एक पांच वर्षीय बालिका हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है मामला उदयपुर क्षेत्र का है जहां गत दो तारीख को एक व्यक्ति की पत्नी ने शादी के पंद्रह साल बाद एक फाइनेंस कर्मी से कोर्ट मैरिज तक कर डाली शादी के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हुई और महिला ने एसपी कार्यालय से गुहार कर दी कि उसकी व उसके मुस्लिम प्रेमी को पूर्व पति उसके परिवार गांव गली मोहल्ले से जान को खतरा है यही नहीं अपने पति के सामने पत्नी मुकर गई कि अब मैं मेरे प्रेमिका के साथ ही रहूंगी ऐसे में नन्ही बालिकाओं का मां के सामने रो रो कर बुरा हाल हो गया और गुहार करती रही माँ हमें छोड़कर मत जाओ लेकिन न उसकी माँ का दिल पसीजा न ही उसके मुस्लिम प्रेमी ने बच्चों की तरफ देखा यहाँ तक कि उदयपुर कलेक्ट्रेट में महिला व बच्चों के बीच जो ममता को तार तार करने वाला दृश्य देखा तो हर एक शख्स की आंखों में आंसू निकल आए दोनों बच्चियां माँ के कदमों में लिपट कर रो रो कर गुहार कर रही है लेकिन यहाँ माँ की ममता मर चुकी थी और इश्क का भूत उस पर सवार था जो प्रेमी के साथ चली गई गांव गली मोहल्ले परिवार वाले एकजुट संगठित होकर रहे और अपने आसपास अगर कोई मकान इन मुस्लिमों को किराए देता है तो सबसे पहले उसकी धुलाई करो कलयुगी माँ और कलयुगी पत्नी नहीं देखी हो तो आज देख लो को मुस्लिम के प्यार के चक्कर में अपने दो हिंदू बच्चों और पति को भी छोड़ के चली गई गलती इस महिला के साथ इसके माँ बाप की भी है जिसके अपनी बच्ची को पहले ये संस्कार दिए